सोचिए इंसान की सनक किस हद तक जा सकती है, शायद अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। प्यार, जज्बात, अधिकार, रिश्ते की महक कब दम तोड़ सकती है, सोच से भी परे है। क्योंकि हल्द्वानी की जिस वारदात से हम आपको वाकिफ करवाने वाले हैं, वो गवाही है उस पागलपन की जिसकी दस्तक से हंसता खेलता एक परिवार बर्बादी की चौखट पर जा खड़ा हुआ। धुंधली तस्वीर के पीछे खून से लथपथ नरगिस नाम की महिला की बॉडी जमीन पर पड़ी है। नरगिस का मर्डर हुआ है, बेहद ही बेरहम मौत दी गई है। सिर पर लोहे की रॉड से कई बार कर मौत के घाट उतारा गया है। लेकिन नरगिस का गुनहगार कौन है और क्यों उसकी हत्या अंजाम दी गई, आइए तफसील से बयां करते हैं। वारदात हल्द्वानी की कोतवाली बन भूलपुरा इलाके से सामने आई है, जहां 29 जून 2015 की रात नरगिस के लिए मौत की रात बन गई और कातिल बना उसका सुहाग नासिर। जी हां, नरगिस के पति नासिर ने अपनी सनक का ऐसा मुजाहरा पेश किया कि पाक रिश्ते के साथ साथ इंसानियत भी कांप उठी। महज मामूली सी बात पर अपनी बीवी नरगिस के जिस्म से रूह पनाह कर दी। नरगिस की हत्या के बाद उसके चार छोटे छोटे मासूम बच्चे बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। पिता नासिर वारदात के बाद से फरार है और जब मीडिया ने बच्चों से उनके मां के कत्ल की वजह पूछी तो सुनकर हम भी सन रह गए। आप भी सुनिए। जब पापा मासूम लेकर आए थे अम्मी को, तभी अम्मी ने इतने सामान लिए महंगे महंगे, तभी पापा घर पे आके मारने लगे लोहे के डंडे से। फिर क्या हुआ बेटा? फिर अम्मी को ले गए पुलिस वाले। अम्मी को ले गए पुलिस वाले? पापा कहाँ गए? पापा भाग गए। मृतक नरगिस की बेटी ने अपनी जुबानी जो कुछ भी बयान दिया उसे सुनकर हम भी खामोश पड़ गए और वजह जानकर हैरान रह गए कि महज महंगी शॉपिंग करना नरगिस की मौत का सबब बन गया। दरअसल 29 जून की शाम पति पत्नी और उनके चारों बच्चे हल्द्वानी में लगे नुमाइश मेला घूमने गए। वहां बीवी नरगिस ने महंगी खरीदारी कर ली तो घर आकर पति नासिर ने पत्नी नरगिस को खूब डांटा। महंगी शॉपिंग को लेकर मियां बीवी के बीच खूब बहस मुबाहिस हुई, मगर कहासुनी ने जल्द ही खूनी शक्ल अख्तियार कर ली। और फिर जब नतीजा सामने आया तो नरगिस की लाश सामने थी और पति नासिर पत्नी नरगिस का कत्ल कर फरार था। पीलीभीत का रहने वाला ये परिवार अभी 3 दिन पहले ही हल्द्वानी के बन भूलपुरा इलाके में किराए के मकान में रहने आया था, मगर वारदात ने हर किसी के होश पाक ताक कर दिए। परसों आए ना जैसे दोपहर के टाइम, तो मैंने पूछा मैंने कहाँ के हो, तो वो सलीम भाई की बहू बोली हमारी बेटी है ये, और क्या कहते हैं 10 साल से यहाँ रह रही है, और क्या इसको कमरा दे दो, पानी मांग रहा है छोटी वाली, और ये पानी बता दे। तो मैंने इसकी माँ को उठाओ, तो लड़का बोला मम्मी नहीं उठ रही है, और मम्मी नहीं उठ रही है, और मम्मी सो रही है। तो हमने क्या उठा मम्मी को, तो देखा तो उन्होंने देखा ही किराएदारनी ने दूसरे बोले तो खून से हो रही है। हम तो यहाँ पुलिस वाले रहते हैं, हमने इनको फौरन बुलाया। इतना पुलिस तक गई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने नरगिस की लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी और फरार आरोपी पति नासिर को जल्द पकड़ने का दम्भ भरा। देखिए, आज सुबह सूचना मिली थी बनभोलपुरा थाना क्षेत्र में गोपाल मंदिर के पास एक नरगिस नामक महिला की हत्या की गई है। तो जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि इसका हस्बैंड जो टेम्पो चलाता है नासिर नाम का व्यक्ति है, उसने किसी पारिवारिक झगड़े में इसके सिर पर रॉड मार दी और जिससे इसकी मृत्यु हो गई। तो अभी नासिर फरार है और उसके लिए गिरफ्तारी के लिए हमने टीमें बना दी हैं और तुरंत उसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी कर दिए गए। कोई अंदाजा तक नहीं लगा सकता कि अनहोनी ऐसी शक्ल अख्तियार करके भी इंसान से अपराध करवा सकती है। महंगी शॉपिंग, फिर मियां बीवी के बीच बहस, कहां सुनी की हद पार हो जाना जिसका परिणाम खूनी खेल। मगर पति नासिर ने अपनी पत्नी नरगिस को ही मौत नहीं दी, बल्कि चार और मासूम जिंदगियां जीते जी मर गई।
पति नासिर कानून से बच नहीं पाएगा और पिता के संगीन गुनाह की सजा बाहर बच्चे भी भुगतेंगे। दिनेश पांडे, हल्द्वानी समाचार। साइबर कैफे यानी प्रतियोगी छात्रों के लिए खुद के भविष्य से जुड़ा वो जरिया जहां बेझिझक इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यही बेफिक्री एक लड़की की जिंदगी पर भारी पड़ी तो उसकी जिंदगी जहन्नुम से भी बदतर बन गई। हर किसी की जिंदगी में विश्वास की बहुत अहमियत होती है। जरूरी नहीं कि जो आपके लिए अनजान है वही आपकी जिंदगी को बर्बाद करेगा। ये दावा इसलिए कि अक्सर विश्वास पात्र चेहरा भी दगाबाजी की दास्तान लिखता है, चाहे कोई पड़ोसी हो या फिर मददगार। ऐसी ही विश्वासघात की एक कहानी का आगाज बागपत की कोतवाली बागपत से सटे पुलिस चौकी टटीरी इलाके में हुआ, जहाँ ना तो मर्यादा का ख्याल किया गया, ना इंसानियत की परवाह की गई और ना ही विश्वास को बरकरार रखा गया, जिसका दामन थाम 11वीं क्लास की इस छात्रा ने इलाके के ही साइबर कैफे का रुख किया था। मगर इस छात्रा ने साइबर कैफे के संचालक दीपक गुप्ता की नियत नहीं भांपी, जो काफी वक्त से अपनी घिनौनी मानसिकता का शिकार था। जी हाँ, इस छात्रा की आबरू पर हैवानियत के पंजे गड़ाए गए। साइबर कैफे में ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने गई इस छात्रा को हैवानियत का निवाला बनाया गया। पुलिस गिरफ्त में खड़े साइबर कैफे संचालक दीपक गुप्ता ने अपने एक साथी के साथ मिलकर इस छात्रा की इज्जत रौंदी और ये इल्जाम हमारे नहीं बल्कि गैंग रेप का जख्म झेल रही ये छात्रा अपनी जुबानी बयां कर रही है। भविष्य को संवारने की चाहत ने इस छात्रा की जिंदगी को किस कगार पर पहुंचाया? इसका इल्म ना तो इस छात्रा ने किया था और ना ही उस मनहूस आहट की दस्तक महसूस कर पाई जिसे कामयाब बनाने के लिए दरिंदा साइबर कैफे संचालक दीपक आतुर था। विश्वास का दामन थाम, साइबर कैफे का किया रुख, लेकिन हैवानियत के पंजे में जा फंसी आबरू। बिना किसी अपने का हाथ थामे जिस साइबर कैफे में जायज वक्त गुजारने की पहल की गई, वहां हर तरफ घिनौनी साजिश का ताना बाना बुना गया था। साइबर कैफे संचालक दीपक पर शैतान हावी था, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी हवस की आग बुझाना चाहता था। शैतान साइबर कैफे संचालक दीपक भूल गया कि दुकान में आई कस्टमर छात्रा के प्रति उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। जानकारी मिली है कि छात्रा किसी ऐसी दुकान पर जहाँ ऑनलाइन काम होते हैं उसके संचालक के द्वारा उसके साथ गलत कर दी गई, इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया, हम आरोपी में गिरफ्तार भी कर लिया गया, बाकी से इसकी कार्रवाई की जा रही है। क्या करने का ये वहाँ पर अपना ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के लिए। दरिंदे साइबर कैफे संचालक दीपक को अगर अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता तो आज इस छात्रा की जिंदगी बदनामी की दहलीज पर नहीं खड़ी होती, इस परिवार की प्रतिष्ठा बर्बाद नहीं होती जिसने बेटी की जिंदगी के हसीन ख्वाब बुने थे। मगर मरती इंसानियत के पुजारी साइबर कैफे संचालक दीपक ने एक ही पल में उस ख्वाहिश को दफना दिया जिसका दंश ये नाबालिग लड़की ता उम्र सहती रहेगी। अजय कुमार, बागपत समाचार। इक्कीसवीं सदी की दस्तक और इंसान का दावा, हम तरक्की पर हैं लेकिन आज भी कई जहन ऐसे हैं जहां अंधी ख्वाहिश का बसेरा है।
खेल तो कुदरत का है मगर बेदिमाग मानवता ने बेफिजूल ही जीतने की जिद पाल रखी है, जबकि मालूम है हार पक्की है क्योंकि कुदरत बेटा बेटी के बीच फर्क नहीं समझती। तस्वीर विमला की है, 10 साल पहले शादी हुई थी और आगरा के थाना खेड़ा राठौड़ के बसई अरेला के बाशिंदे मनोज के घर उसकी बीवी बनकर आई थी। विमला के परिवार ने दामाद मनोज से बस यही उम्मीद जताई थी कि उनकी बेटी सदा खुश रहे, दामाद मनोज उसे हर दुख से दूर रखे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। एक तो पति मनोज पर दहेज का लालच हावी था, ऊपर से जब विमला ने बेटी को जन्म दिया तो प्रताड़ना और भी बढ़ गई। वक्त गुजरता रहा मगर इस बीच पति मनोज अपनी पत्नी विमला से एक और अंधी ख्वाहिश जाहिर करने लगा, एक बेटे की ख्वाहिश। मगर जब दूसरी दफा विमला माँ बनी तो एक और बेटी पैदा हुई। बस फिर क्या था, बीवी विमला से बेटा पैदा करने की उम्मीद जताने वाला पति मनोज शैतान बन गया। 28 जून 2015 के दिन पत्नी विमला पर कहर बनकर टूटा और मिट्टी का तेल डालकर आग के हवाले कर दिया। झुलसी विमला अस्पताल में भर्ती करवाई गई थी लेकिन इलाज के दौरान दुनिया से नाता तोड़ लिया, तड़पते तड़पते जिंदगी का साथ छोड़ दिया। उसके दो लड़की पैदा होने के वजह से उसके सास ससुर और आदमी मनोज बहुत परेशान करते थे और परेशान रखते थे और इसके कारण 3-4 दिन पहले तो बहुत मारी है झाड़ू से और लातों से और कल उसे जिंदा जला दिया है। दरिंदा पति मनोज बेटी नहीं बल्कि पत्नी विमला से बेटा चाहता था। विमला के परिवार ने दहेज हत्या का मुकदमा दामाद मनोज के खिलाफ दर्ज करवाया है, लेकिन वारदात के बाद से आरोपी पति मनोज विमला की दोनों बेटियां साथ लेकर फरार है। पुलिस ने तफ्तीश का दम्भ भरते हुए आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है, मगर जरा सोचिए पति मनोज की अंधी ख्वाहिश की आग उसकी पत्नी विमला को राख कर गई और एक बेटे की चाहत जुर्म का सबब बन गई। शिव चौहान, आगरा समाचार। छह दिन पहले यानी 23 जून 2015 के दिन मां बेटी के कत्ल से ताज नगरी आगरा थर्रा उठी। दोहरे हत्याकांड की वारदात से न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल उठे बल्कि आगरा की जनता खौफ में जीने पर बेबस हो गई। लेकिन 6 दिन बाद जब पुलिस के हाथ कामयाबी लगी तो कत्ल की वजह भी सामने आई और कातिल भी दबोच लिया गया। रमा गुलाटी और उनकी बेटी दीक्षा गुलाटी को मार दिया गया था और उनके घर से लूट हुई थी और वकील साहब है पीके गुलाटी साहब, उनके घर पे ये हत्या का कांड हुआ था। ये जो घटना थी ये पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी और इसको हमने 7 दिन के अंदर इसका खुलासा किया है। आगरा के थाना हरी पर्वत इलाका खंडारी के रहने वाले वकील प्रवीण गुलाटी की धर्मपत्नी रमा गुलाटी और बेटी दीक्षा को बेरहम मौत देने वाला कौन था? दोहरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए आगरा पुलिस हर एंगल पर काम कर रही है। मसलन माँ बेटी का कत्ल किसी आपसी मनमुटाव में अंजाम दिया गया या फिर लूट के इरादे से कत्ल किया गया, लिहाजा आगरा पुलिस एक संयुक्त टीम बनाकर केस की कड़ी सुलझाई तो वो हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने थी, जहाँ कातिल कोई गैर नहीं था बल्कि वकील प्रवीण का सगा भतीजा गौरव गुलाटी निकला, जिसने अपनी सनक में ताई रमा और बहन दीक्षा को बेरहम मौत दी और घर का सारा माल मत्ता साफ कर दिया। और घटना में कुछ ऐसे सबूत हमारे हाथ लगे थे जिससे ये प्रूफ हो रहा था, बार बार ये नजर हमारी ऐसे लोगों की तरफ जा रही थी कि जो जानने वाला हो सकता है इन लोगों का, इसलिए हमने लगातार प्रयास करके इसके जो ये जो घटना करने वाले जो इनके भतीजे हैं इनका नाम गौरव गुलाटी है, इनकी गिरफ्तारी की है और इन्होंने अपना क्राइम एक्सेप्ट किया है परिवार वालों के सामने पुलिस वालों के सामने। पुख्ता तौर पर पुलिस के पास ऐसा कोई सुराग नहीं था
जिसके बिना पर इस बात की तस्दीक की जा सके कि वारदात किसी करीबी ने ही अंजाम दी। लेकिन हाँ, मौका या वारदात से मिले कुछ सबूत ऐसे थे जो इस बात की ओर संकेत दे रहे थे कि वारदात से पहले घर के भीतर कातिलों की एंट्री बिना जोर जबरदस्ती के हो। लिहाजा पुलिस ने वकील प्रवीण से जुड़े हर रिश्तेदार के नंबर को ट्रेस करना शुरू की, जिसमें शक की सुई वकील प्रवीण के भतीजे गौरव गुलाटी पर जाकर लगी। लेकिन सवाल सुलगे कि किस लिए भतीजे गौरव ने अपनी ताई रमा गुलाटी और बहन रमा के खून से अपने हाथ रंगे, किस लिए ताऊ प्रवीण के भरोसे का खून कर दिया। पूर्व में भी इनका कहना है, पूर्व में ऐसी कुछ बातें जो मृतका थी रमा गुलाटी, इन्होंने इनके माँ के खिलाफ या इनके बहन के खिलाफ कही थी, जो इनको बहुत चुभी थी। वो एक कारण मुख्य ये कह रहे हैं कि जिसके वजह से इन्होंने ये घटना की है। इनके पास से जो बरामदगी की है, जो घटना स्थल से जो इन्होंने जो सामान उठाया था, जो पैसा उठाया था और जो सोने के जेवरात उठाए थे और मृतक के अंगों से भी कुछ सामान उठाया था, वो भी हमने बरामद किया है। परिवार के साथ भी बेइज्जती का मलाल पाए कातिल भतीजे ने खूनी इंतकाम लिया। साई रमा और चचेरी बहन दीक्षा की हस्ती हलाक कर दी और डबल मर्डर अंजाम देकर झूठ की वारदात भी कर दी। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ है सारा है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। बच्चे हमेशा हमारे भाइयों में आपस में, कभी भाइयों में, भाभियों में, कभी किसी बात पे मन मुटाव नहीं है। मैं देखिए, कोई भी परिवार का कोई भी आदमी ये तो उम्मीद नहीं करता कि उसके घर वाला ही कभी कोई उन्हें मार जाए। और उन बच्चों को, जो बच्चे जिनको जो है पैदा हुए, जिनको जो है अस्पताल में बैठ बैठ के हमने ड्यूटी दी हो, बाहर बैठ के सारी जिम्मेदारियां निभाई हो, अब तक पूरी जिम्मेदारी निभाते रहे हो, तो ऐसी तो कभी भी उम्मीद नहीं की जा सकती कि बच्चे जो है, और अगर जो भी कुछ किया है वो उसका दोषी है और वो उसका दंड उसे मिलेगा, अवश्य मिलेगा। अपमान का बदला लिया गया या फिर पैसों के लालच में कातिल भतीजे गौरव ने गुनाह किया, इस पहलू पर यकीन किया जाए। लेकिन हाँ, भक्षक बने कातिल भतीजे ने जिस रिश्ते को कलंकित किया, वहाँ एतबार चकनाचूर हो गया। शिव चौहान, आगरा, समाचार प्लस।